दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कमीशन स्ट्रक्चर में हुए बदलाव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक ने कमीशन स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे सीएसपी को फायदा भी होने वाला है और नुकसान भी होने वाला है, जो सीएसपी रेगुलर बेसिस पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम करते हैं और नए खाते खोलते हैं, उनको तो इससे फायदा होने वाला है। और जो सीएसपी केवल ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको इस नए कमीशन स्ट्रक्चर से झटका लगने वाला है। जैसा कि आप इस नए कमीशन स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये 1 जून से लागू कर दिया गया है, यानी इस मंथ से ही। ये एक्सिस्टिंग कमीशन स्ट्रक्चर था जो कि अभी हटा दिया गया है। इसमें हमें कमीशन तो उसी हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें ऐड कर दी गई है। जैसे पहले ग्रामीण एरिया में 100 ट्रांजैक्शन और शहरी एरिया में 200 ट्रांजैक्शन करने पर हमें एवरेज बैलेंस का कमीशन मिलता था, उसको अभी हटा दिया गया है। अभी जो नया एवरेज बैलेंस का कमीशन प्लान आया है, इसको आपके सामाजिक सुरक्षा और नए खाते जो आपके द्वारा खोले जाते हैं उससे जोड़ दिया गया है। आप लोग ये नया स्लैब देख पा रहे होंगे। बैंक ने इसको 5 स्लैब में बांट दिया है। जो सीएसपी पहले स्लैब को पार करता है, जिसमें आपको 8 से 9 नए जनधन खाते खोलने हैं, 12 से 13 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करने हैं, 15 से 19 सुरक्षा बीमा करने हैं और 3 अटल पेंशन योजना करनी है, तो बैंक आपको एवरेज बैलेंस का 60% ही कमीशन देगा। जैसे आपको 10,000 एवरेज बैलेंस का कमीशन मिलता है, तो अभी आपको 6,000 ही कमीशन मिलेगा, लेकिन बैंक आपको 1,000 का एडिशनल कमीशन इसमें देने वाला है। उसी तरह स्लैब 2 में आपको 10 से 11 नए खाते खोलने हैं, 14 से 15 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करने हैं, 20 से 24 सुरक्षा बीमा करने हैं और 4 अटल पेंशन योजना करनी है। इसमें आपको आपकी एवरेज बैलेंस का 70% ही कमीशन मिलेगा और ₹1200 का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। स्लैब 3 में आपको 12 से 13 नए खाते खोलने हैं, 16 से 17 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करने हैं, 25 से 26 सुरक्षा बीमा करने हैं और 5 अटल पेंशन योजना करनी है। इसमें आपको आपके एवरेज बैलेंस का 80% कमीशन मिलेगा और ₹1500 एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। स्लैब 4 में आपको 14 से 15 नए खाते खोलने हैं, 18 से 19 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करने हैं, 27 से 29 सुरक्षा बीमा करने हैं और 6 अटल पेंशन योजना करनी है। इसमें आपको आपके एवरेज बैलेंस का 90% कमीशन मिलेगा और ₹1800 एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। और 5वें और सबसे लास्ट स्लैब में आपको 16 से अधिक नए खाते खोलने हैं, 18 से अधिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमे करने हैं, 30 से अधिक सुरक्षा बीमे करने हैं और 7 से अधिक अटल पेंशन योजना करनी है। इसमें बैंक आपको आपके एवरेज बैलेंस का 100% कमीशन देगी और साथ में आपको ₹2000 का एडिशनल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बैंक ने कुछ कंडीशन रखी है, जो आपका जानना बहुत जरूरी है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको 4 स्कीमों में से किन्हीं 3 को प्राप्त करना होगा, तभी आपको एवरेज बैलेंस का कमीशन मिल पाएगा और जो आपके द्वारा खाते खोले गए हैं
उनमें से कोई भी खाता नेगेटिव न हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, और अगर आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पास नहीं करते हो तो आपको आपकी एवरेज बैलेंस कमीशन का केवल 50% ही कमीशन बैंक द्वारा आपको दिया जाएगा। और लास्ट में, जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि बैंक ने हमें लोन लीड जेनरेशन का भी कमीशन देना शुरू कर दिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।